मान लीजिए अतीक अहमद जैसा कोई गुंडा बदमाश और ऐसा गुंडा बदमाश जिससे जज भी थर थर कांप रहे थे, उसको अगर योगी जी की वजह से थर थर कांपना पड़ रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं, मौत का डर सता रहा है, तो योगी जी की तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए या नहीं करेंगे? देखिए इस बात को समझिए, बड़ा माइन्यूटली अपने दर्शकों को भी बोलता हूँ समझिए कि अतीक अहमद तो पहले भी जेल में था, अब भी जेल में है। जेल सुनिए 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 सुनिए, अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए जो लखनऊ में राजधानी में जो उसने वारदात को अंजाम दिया, जो बम पटाखे ऐसे टूटे जैसे कि दिवाली में आप पटाखा फोड़ते हैं, वैसे राजधानी लखनऊ में योगी की सरकार में उसने जो किया, अब झेप और शर्म मिटाने के लिए वो अतीक अहमद को दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत सख्त है। अरे तुम्हारी सरकार इतनी नलायक है कि ना लखनऊ में इतने बम धमाके कर दिए उसने। एक सेकंड जवाब ले लेता हूँ उसके बाद। देखिए ये सारी बेचैनी समझ में आ रही है कि इनके अंदर डर क्या है। देश की जनता, यहाँ पे मौजूद जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम योगी जी के साथ हैं, तो इनको ये भाजपा वाले बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हर एक इंसान भाजपा के साथ होगा जिसको विकास पसंद है, हर वो इंसान बीजेपी के साथ होगा जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पसंद है, और वो हर इंसान उन समाजवादी उन कांग्रेस के साथ खड़ा होगा जिसको पीठ पीछे परिवारवाद पसंद है। ठीक ठीक, एक सेकंड। जय श्री राम। योगी 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 ऐसे अच्छा काम हुआ है पूरे देश में, ना कि इतना गुंडागर्दी हुई है, जब लड़के वो भी नहीं हो रहा। आराम श्री राम, आराम आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बोलो तो समझ में भी आना चाहिए। करके क्या फायदा, ठीक से बोलो। जब से हमारे योगी और मोदी जी हैं, जैसे लड़के सारे रेप कम हो रहे हैं यूपी में, नहीं तो पहले फांसी में रहते थे यहाँ पे पेड़ के ऊपर। जय श्री राम।